देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थ नगर सामूहिक विवाह योजना में आधे दर्जन से ज्यादा लड़कियां पाई गई नाबालिग। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सिद्धार्थ नगर जिले के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामुदायिक विवाह योजना में आए जोड़ों में आधे दर्जन से अधिक नाबालिग लड़कियों की शादियां करवाई जा रही है। इसके अलावा एक जोड़ा ऐसा भी दिखा जहाँ दूल्हे की उम्र अधेड़ की है और लड़की की उम्र लगभग 20 साल की। आपको बताते चले, आज जिला मुख्यालय पर आयोजित इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 188 समेत 15 मुस्लिम जोड़े कुल 203 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। वही नाबालिगों ने मामले में जब मौजूद जिले के मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि माइनर लड़कियों की पूरे प्रकरण जांच वीडियो के द्वारा किया गया है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो जिन्होंने जाँच किया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशे सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। माइनर लड़कियों की शादी यहाँ कराई जा रही है, क्या मतलब जो है इसे क्या कहेंगे यार? 6 माइनर लड़कियाँ हैं। माइनर लड़कियों की पूरी पात्रता की जांच की गई है हमारे वीडियोस के द्वारा, और अगर ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके खिलाफ, अगर जो जिन्होंने भी पात्रता की जांच की गई है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी सर 15-20 दिन पहले भी मतलब शादियां हुई थी, 3 उसमें भी माइनर लड़कियां थी, 6 आज हैं। यदि ऐसा एक तो हो चुका, एक होने जा रहा है, तो क्या मतलब लग रहा है? क्या वाली की भी ऐसे मेरे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, और अगर कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उसपे जो है वो नियम अनुसार जिन्होंने भी जांच करके हमें कार्रवाई की है, जिन्होंने भी जांच करके सत्यापन दिया था, उसके खिलाफ उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं।